हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह पर लेके जा रहा हूँ वो बहुत ही सुंदर जगह है, जिसका नाम है बागा सराहन। दोस्तों, बागा सराहन हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में स्थित है। इसके लिए हमें रामपुर बुशहर से होकर निरमंड बाया बागी पुल होकर आना पड़ेगा यहाँ पर। और दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर एक गाँव है। ये छोटा सा मंदिर पुराना, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर लोग स्थानीय अपने पशु लेकर आते हैं, और यहाँ पर आजकल क्रिकेट मैच भी चला हुआ है। तो दोस्तों, आज हम ट्रैक कर रहे हैं बिश्लेव जोत, जो यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है। आज हम ग्रुप कैंपिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो आइए चलते हैं। चलिए मेरे साथ और ट्रैक का आनंद लीजिए दोस्तों। इस ट्रैक का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हाई रहेगा, और बहुत बहुत सुंदर वादियाँ मिलेंगी बीच में जहाँ से गुजरते हुए। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों, आपको भी और हमें तो आ ही रहा है। शाम होने वाली है, थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, और टाइम हुआ है 3:54 शाम। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं बागा सराहन से कुछ आगे। 10 से 15 मिनट हो गए हमें ट्रैक करते हुए। अभी हमने काफ़ी ऊपर जाना है। फिलहाल हम यहां पर बैठे हैं, एक फॉरेस्ट ने बढ़िया सा ये बेंच बना रखा है यहां पर। तो सामने भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और ये सामने रहा बागा सराहन। तो अभी हमें 1 से 2 घंटा लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो आइए चलते हैं दोस्तों। ये ब्राइडल पाथ आप देख रहे हैं, जो बागा सराहन को बंजार के बटार वैली से मिलाता है। ये ब्राइडल पाथ है। अभी बरसात में इसका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ही टाइम में ये बनकर तैयार हो जाएगा, और इसमें 4x4 गाड़ी लेके आप ट्रैक जा सकते हैं कहीं भी। तो ये हमने बहुत ऊपर, इससे भी ऊपर जाना है। अभी हम बीच रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देखेंगे वो रहा हमारा बागा सराहन। तो अभी 1 घंटे का और ट्रैक बचा है। अभी बहुत हाल खराब हो चुके हैं हमारे, थक चुके हैं, और हमारे दोस्त पानी का एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा ट्रैक है। ये सामने रहा सराहन गांव, बहुत ही प्यारा, और ये रहा ग्राउंड। अभी हम काफी दूर आ चुके हैं, ये आप देख ही रहे हैं। ये ट्रैक, यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे जिगजैग रास्तों से यहाँ पहुँचे हैं। अभी 1 घंटे का रन और है। सो फ्रेंड्स, 6:11 लगभग हमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है ट्रैक करते हुए, और अभी भी 15 से 20 मिनट का रास्ता फिलहाल हमें और चढ़ना है। तो चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप पर। फ्रेंड्स, गला बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने ढेर सारा ग्लेशियर से निकला हुआ पानी पी लिया है, उसके लिए बहुत सॉरी। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों,
इससे भी ऊपर टॉप पे बछलेव जोत है, वहाँ हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी रात भी होने वाली है, हमें अपना कैंप सेटअप भी करना है, तो आज हम यहीं रुकेंगे। दोस्तों मज़ा ही आ गया, नज़ारा ही अलग है दोस्तों यहाँ का। सामने आप देख रहे हैं बर्फ़ जो फिलहाल परसों की ही गिरी हुई है यहाँ पर। मज़ा आ गया दोस्तों, यहीं पर हम अपना कैंप सेटअप करेंगे। हमारे साथ अल हबीबी भी आए हैं यूनाइटेड अरब से। अल हबीबी ये भी आए हैं और यहाँ हमारे एक्टर भाई भी बॉम्बे से आए हैं, ये पोज ले रहे हैं टेढ़ा टेढ़ा बना के, और हमारे मैनेजर साहब भी फोन मिला रहे हैं। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्नो, कल रात का ही फ्रेश स्नो फॉल हुआ है यहाँ पर। बहुत ही मजेदार और खूबसूरत नजारा यहाँ का, खुला आसमान है, बिल्कुल साफ, जंगल जन्नत है। अरे ऊपर तक देखो आप। तो दोस्तों अब कुछ लकड़ी काट लेते हैं और आग जला लेते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी तो सब कुछ सही है, लेकिन आग जलाना यहाँ पे बहुत टफ है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है यहाँ पर दो चार दिनों से। तो अभी हम ब्यूटेन भी बंद कर देंगे। ब्यूटेन स्टोव के ऊपर डायरेक्ट ऐसी लकड़ियाँ रखी हैं, अब शायद हमारी आग नहीं जाएगी, थोड़ा गर्म हो जाएंगी ना। और ये हमने अपना टेंट लगा लिया है। ये इतनी रात को ऊपर से पहाड़ी से कौन आ रहे हैं नीचे? पहले इनको देखकर डर ही लग गया था दोस्तों, लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये बठाड़ वैली से बागा सरहान के लिए आ रहे हैं, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, फिर भी कुछ ज़रूरी काम होगा दोस्तों तब जा रहे हैं। अब जान में जान आई है जब पता चला कि ये कोई जानवर नहीं आदमी है। रात के खाने की तैयारी, शाही पनीर बनाने की तैयारी हमारे अजय भाई की।
लेते हैं जंगल का खाना। और ये हमारे स्पेशल कुक मिस्टर अजय, बहुत ही अच्छा लाजवाब शाही पनीर बनाया है इन्होंने, मज़ा आ गया दोस्तों। Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 6:30 और हम उठ चुके हैं। रात बहुत ठंडी थी लेकिन नींद बहुत अच्छी आई। ये सुबह का बहुत सुंदर सा नजारा, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसी रही रात, किसी को ठंड तो नहीं लगी? बहुत ही जबरदस्त, मजा आया? बिल्कुल मजा आया। और स्लीपिंग बैग सबके पास थे तो बड़ा मजा ही आया होगा। बहुत मजा आया, लेकिन जो आपके खराटे थे उन्होंने हमें काफी परेशान किया। अच्छा। चलो हल्के फुल्के खराटे लग जाते हैं जैसे ही हम हाइट पे आते हैं और ठंडे एरिया में आते हैं, तो काफी देर तक सो भी नहीं पाए। पूरी रात मस्त रही, एकदम मस्त है, मजा आ गया। चलो मजा आना चाहिए। दोस्तों आप ये सामने देख रहे हैं, पेड़ टूटा हुआ है। दोस्तों ये आसमानी बिजली इसके ऊपर गिरी है और देखिए पेड़ कैसे तोड़ दिया इसने। बहुत दो टुकड़े हो चुके हैं इसके, और एक तो ये पेड़ रहा और सेकंड ये जिसका अब थोड़ा बहुत ही भाग बचा है, बाकी ये टूट के यहाँ गिरा है ये, और तीसरा भी एक साथ में है। तो मैं रेकमेंड करूंगा जब भी आपने टेंट लगाना है तो पेड़ों के नीचे ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आसमानी बिजली गिरने का खतरा रहता है। दोस्तों यहाँ पर अभी भी आधा आधा फीट बर्फ है। अभी हम पानी की तलाश में जा रहे हैं, शायद यहाँ पर आसपास कोई सोर्स होगा। गजब का रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पर, ये रास्ता आगे जाके मछलियों पास क्रॉस करके बठाड़ वैली में मिलेगा, जो कि बंजार में आता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। यहाँ के जो लोग हैं सरहान बागीपुल, यहाँ बहुत फैमिलीज ने वहाँ बठार वैली से शादी की है, तो उनका आना जाना यहाँ पर अक्सर लगा रहता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर भी लोग रहते हैं, जैसे यहाँ पर कॉरपोरेशन का फॉरेस्ट का काम चलता है लकड़ी काटने का, तो लोग यहाँ पर रहते हैं रात को। आजकल बहुत ठंडा है तो इसलिए यहाँ पे आज कोई नहीं है। और फ्रेंड्स गुड न्यूज़ है कि सामने कुछ हमें नाले की आवाज़ आई है पानी की, तो हम वहीं चलते हैं अब पानी लेने। ये आधा घंटा के करीब चलने के बाद हमें सामने पानी दिख चुका है। ये सामने रहा नाला और ग्लेशियर वाटर है बिल्कुल। अभी हम पानी भर लेते हैं, पर ये नाला क्रॉस करना ही बड़ी बात है, पानी तो फिर भरेंगे। यहाँ स्नो बहुत हल्की है, पैर अंदर जा रहा है इसमें ये, लेकिन हम कोशिश करेंगे जाने की। ये स्नो बहुत ही फ्रेश है, परसों शाम की ही गिरी है बर्फ यहाँ पर। अब करो फोन लो। दोस्तों अब हमने सारे अपने टेंट और सामान समेट लिया है, ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, जो भी हमारे पास प्लेट्स थी, डिस्पोजेबल ग्लासेस थे, सारे हमने इसी में जला दिए हैं। और अभी हम निकल रहे हैं वापस। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अभी हम वापस बागासरान जा रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। धन्यवाद।